किया आलिया को इग्नोर, कौन है आलिया के ब्यूटी पर फिदा। RRR की टीम पहुंची हैदराबाद अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए, जहां इंटरव्यू में हुई कुछ चटपटी बातें, आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। RRR की टीम हैदराबाद पहुंची तो वही मीडिया ने अपने क्वेश्चन की भरमार लगा डाली। उसी वक्त बॉलीवुड की चुलबुली आलिया भट्ट ने बताया कि उन्हें सेट पर रामचरण काफी इग्नोर करते थे। अब बताओ भला आलिया भट्ट जैसी एक्ट्रेस को कौन ही इग्नोर कर सकता है। रामचरण ने इसके जवाब में बताया कि वो आलिया के ब्यूटी को देख के शर्मा जाते थे, ना कि उन्हें इग्नोर करते थे। वैसे फिल्म में आपको जैसे जूनियर NTR और रामचरण का बॉन्ड देखने को मिल रहा है, वैसा ही बॉन्ड इनका ऑफ स्क्रीन भी है। जी हाँ, ये बात खुद आलिया भट्ट ने बताई। रिपोर्ट्स की माने तो आलिया भट्ट ने बताया कि उन्होंने दोनों के साथ अलग अलग काम किया है और उन्हें लगता था दोनों ही बहुत कम बोलते हैं, पर जब दोनों के साथ एक साथ काम करने आई तो उनकी बॉन्डिंग मैंने देखी। वो इतनी बातें करते थे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते थे कि देखकर लगता था उनका बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग कि मैं इन दोनों के आसपास भी रहती हूँ तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आलिया भट्ट वैसे इस फिल्म में सीता नाम का किरदार निभा रही हैं और ये उनका तेलुगु डेब्यू है। ऐसे में आलिया भट्ट का कहना है कि वो किसी एक इंडस्ट्री में ही सीमित नहीं रहना चाहती, वो चाहती हैं दूसरे इंडस्ट्री को भी एक्सप्लोर करें और इसकी शुरुआत उन्होंने RRR से की है। और उनका ये भी कहना है कि फिल्म और एक्टिंग को लेकर वो डायरेक्टर्स की बात सुनती हैं, उन्हें उन पर भरोसा है, फिर चाहे वो रोल कैसा भी हो वो दोबारा नहीं सोचती। वैसे ये बात तो हम आलिया की मानते हैं, क्योंकि आप आलिया की फिल्में देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि वो कितनी वर्सेटाइल हैं। वो अपने हर रोल को बखूबी निभाती हैं, फिर चाहे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हो या फिर हाईवे हो। और अब वो तैयार है अपनी फिल्म RRR के साथ, जिसे देखने के लिए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। अब देखना ये है कि जितना इस फिल्म ने अपना बोलबाला बना रखा है, जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऑडियंस का रिएक्शन कैसा होगा। आप हमें जरूर बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए कमेंट कर। इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिल्मों के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।